अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैमिली दस्तरखान। आज हम बनाने जा रहे हैं सेवई की कटोरी और कस्टर्ड। ये दिखने में बहुत ही अच्छा होता है, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। ये बहुत ही आराम से बन जाती है। ये हमने 400 ग्राम भुनी हुई सेवई ली। ये हमने एक पैन लिया है, उसके अंदर हमने 110 ग्राम बटर लिया है। बटर को हम पिघला लेंगे, मेल्ट कर लेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर भुनी हुई जो हमारी सेवई है उसको हम शामिल करके थोड़ा सा हम बटर में अच्छे से भून लेंगे। क्योंकि हमारी सेवइयाँ भुनी हुई है इसलिए हमें इसे ज़्यादा भुनने की ज़रूरत नहीं है, बस बटर अच्छे से सेवई में लग जाए। ये हमने 2 चम्मच चीनी का पाउडर यूज़ किया है। शक्कर को हमने पीस लिया था, इसे हम अच्छे से सेवई में मिला देंगे। शक्कर कहीं कहीं रह जाती है इसलिए हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। शक्कर अच्छे से पिघल जाती है और पूरी सेवइयों में मिल जाती है। इसे बहुत ही अच्छी इसकी बाइंडिंग होती है। ये फिर अच्छे से शेप में आ सकता है, हम जो चाहे वो शेप दे सकते हैं। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क है तो आप कंडेंस मिल्क इस्तेमाल कर सकते हैं। शक्कर की जगह पर आप 2 चम्मच कंडेंस मिल्क डाल दें और इसे अच्छे से मिला लें। यह हमने कपकेक का मोल्ड लिया है, उसके अंदर हम सेवई को डाल के चम्मच से या हाथों की मदद से शेप दे देंगे। अगर सेवई ठंडी हो जाएगी तो ये शेप में नहीं आएगी, इसलिए हमें तुरंत ही इसे जिस मोल्ड में हमें शेप देना है, प्याली में या कपकेक के बर्तन में, जिसमें भी हमको शेप देना है, आप उसमें तुरंत डाल के और उसे चम्मच या हाथों की मदद से इसे आराम से शेप दे सकते हैं। अगर बैटर ठंडा हो जाए तो इसे गर्म कर लें। ये हम कस्टर्ड बनाने के लिए 1/2 लीटर दूध लिए हैं। दूध को हम गर्म कर लेंगे, इसे थोड़ा गाढ़ा कर लेंगे। 1 टीस्पून कस्टर्ड पाउडर और 1/4 कप पानी में मिला के हम दूध में शामिल कर देंगे। दूध में हम डाल के इसे अच्छे से चलाते रहेंगे, नहीं तो हमारे कस्टर्ड पाउडर जम जाएंगे, इसलिए आप थोड़ी देर इसे अच्छे से चला लें। ये देखिए कितना थिक हो गया है दूध। इसमें हमने 2 बड़े चम्मच शक्कर के शामिल किए हैं। शक्कर का पाउडर हमने यूज़ किया है, आप शक्कर भी डाल सकते हैं। और इसे भी चला के जब ये अच्छे से पक जाए और गाढ़ा हो जाए, गैस बंद कर दें और कस्टर्ड को नॉर्मल टेम्परेचर पे आने दें। इसके बाद हम इसे 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। कस्टर्ड हमारा ठंडा हो गया है, अब हम इसे सेविंग की वाटी में डाल रहे हैं। सेविंग की वाटी आराम से मोल्ड में से निकल जाती है ठंडी होने के बाद। सेविंग की वाटी में हम कस्टर्ड डालेंगे, कस्टर्ड के बाद हम इसके ऊपर पिस्ते का पाउडर डालेंगे, पिस्ते के पाउडर के बाद हम इस पे बादाम कटे हुए डालेंगे, इसके बाद हमने पिस्ता कटा हुआ डाला है और हमने थोड़ी टूटी फूटी डाली है। आपके पास जो ड्राई फ्रूट्स हो वो आप डाल सकते हैं। ये देखिए कितना बेहतरीन बनके ये तैयार हुआ है और कितना अच्छा इसका लुक आया है। इसी तरीके से आप बनाएं और हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपकी ये डिश कैसी बनी। अल्लाह हाफिज़।